हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने कमला माता के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माता कमला धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी हैं। भौतिक सुख की इच्छा रखने वालों के लिए इनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। साथ ही इनका पूजन करने से जीवन से दरिद्रता, संकट, गृह क्लेश और अशांति हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कमला देवी की आराधना से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। माता कमला को दुर्गा जी के 10 महाविद्याओं में से दशम एवं अंतिम महाविद्या के रूप में जाना जाता है। माता कमला का स्वरूप, शास्त्रों में माता कमला के रूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माता कमला का रंग सुनहरा है, वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। माता कमला की चार भुजाएं हैं। माता कमला अपने दो भुजाओं में कमल का पुष्प धारण करती हैं और शेष दो भुजाओं से वरदान देने वाली और निर्भय मुद्रा बनाती हैं। इन मुद्राओं को क्रमशः वर्ग और अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। माता कमला दीप कमल के आसन पर विराजमान हैं। माता कमला को श्वेत वर्ण के चार हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर अभिषेक कर रहे हैं। माता कमला को स्नान करा रहे हैं। माता कमला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? माता कमला देवी का मंदिर गुजरात राज्य के कच्छ में नारायण सरोवर के तट पर स्थित इकलौता मंदिर है। माता कमला का प्राकट्य कैसे हुआ था? श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय में कमला देवी के प्राकट्य की विस्तृत कथा प्राप्त होती है। जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय देवी कमला का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में वरण किया था। माता कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की लीला सहचरी हैं, अतः इनकी उपासना जगत की आधार शक्ति की उपासना मानी जाती है। माता कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं तो दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं। देव दानव मानव सभी इनकी कृपा के बिना अपंग हैं, इसलिए समस्त देव दानव मानव चित्र गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद हेतु लालायित रहते हैं, इनका पूजन निरंतर करते रहते हैं। आवागमन के साधन, यदि आप कमला देवी मंदिर तक कमला देवी का दर्शन करने आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो भुज रेलवे स्टेशन, जो कि कमला देवी मंदिर से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, भुज एयरपोर्ट, जो कि कमला देवी मंदिर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नारायण सरोवर भुज के मार्ग से संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहां तक सड़क मार्ग के माध्यम से बस अथवा प्राइवेट कार की सहायता से बहुत आसानी से पहुंच करके माता कमला का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कमला देवी मंदिर के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि कमला देवी के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और इस स्थान पर आकर के माता कमला देवी का पूजन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए तीर्थस्थल की नवीन जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कमला देवी।